नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को जान से मारने की धमकी मिली है। देखिए, जिस तरीके से चचा भतीजा में तनाव का माहौल था वो आप सभी लोग जानते हैं, किस तरीके से पार्टियां टूट गई, पर अब केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को जान से मारने की धमकी मिल रही है। पशुपति पारस साफ इशारा कर रहे हैं चिराग पासवान की ओर। क्या कुछ कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, पहले आप वो सुने। हम लोगों ने बात कही, प्रेस ने पूछा कि चाचा भतीजा को क्या होगा, तो मैंने कहा कि दूध जब फटता है तो जमता नहीं है। आप लोगों को भी कहानी का सुनाते रहे मन, कभी करके बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो तुम कोई मेहमान फाटे दूध को मछे न माथे। तो बात बिगड़ गई है, दल टूट गया है, साथ साथ दिल भी टूट गया है, तो इसलिए वो संभव चीज़ है। और चिराग पासवान बाबर कहते हैं कि हाजीपुर हमारे पिताजी के कर्म भूमि है, हाजीपुर में मेरा अधिकार है। मेरा कहना है कि भाई तुम्हारा यदि हाजीपुर में अधिकार है तो पासवान जी जीते जिंदगी तुमको अपना प्रतिनिधि क्यों नहीं बनाए। जब जब भी मौका मिला, चाहे 77 में विधायक बनने की बात हुई तो उन्होंने मुझको भी मौका दिया प्रतिनिधि चुना। मरने के एक साल पहले भी उन्होंने मुझको ही प्रतिनिधि चुना। तो ये जो दलील है उनका, ये दलील सरासर गलत है। उसी के परिप्रेक्ष्य में रात 11:57 में हमारे जो सरकारी आवास है, जो सरकारी टेलीफोन है, उस पर एक व्यक्ति का टेलीफोन आया और टेलीफोन में उसने थ्रेटनिंग दिया कि आप चिराग पासवान के खिलाफ में बोलते हो, आपको हाजीपुर घुसने नहीं देंगे, आपको जान से मार देंगे, आपके मुख पर काली पोत देंगे। ये टेलीफोन पर आया, PNP टेलीफोन पर आया। उसके बाद फिर हम सोए हुए थे तो हमारे टेलीफोन पर 4 बार टेलीफोन किया रात में 12:04। वो नंबर आपको देते हैं, 9535252506। इसने 4 बार हमको टेलीफोन किया 12:04। क्या बोला सर? वही कि हम आप चिराग पासवान नहीं, तुम चिराग पासवान का विरोध करते हो, कहते हो रहा भतीजा नहीं है, तुमको जान से मार देंगे, तुम हाजीपुर जाओगे तो कालिख लगाएंगे। ये है वही राम सुनाम जो बोलने का होता है। तो आपको जान से मारने की धमकी दी, आपने कंप्लेन करवाया? अरे बाबा, रात 12 बजे रात की घटना, हम तो यहीं आ गए, कंप्लेन हो रहा है। वो वहाँ पार्लियामेंट थाना जो है, वहाँ हमारे जो PS हैं वहाँ जाकर मामला दर्ज करवाया। इसलिए तो मैं आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ, वही ये कंप्लेनर है क्या है? मीडिया के माध्यम से ही सूचना देना है भाई। इसलिए मैं अपनी बात को आप लोगों से कहा कि बार बार मेरे साथ में घटनाएं घट रही है। इस पे शक लग रहा है? उसने 10-15 नाम लिया है चिराग पासवान का, सुना दो अभी, सुना दो। मैं ये नहीं जानता, मैं जब किसी को नहीं देखा हूँ तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने जो टेलीफोन पर बयान दिया वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो मोबाइल पर आप सुन लीजिए, कोई मनगठन बात नहीं है, आप सुन लीजिए कि उसने क्या कहा। हालांकि उससे उस पर आधे बात है, PNP पर टेलीफोन किया जो हमारा स्टाफ उठाया, पहले क्या बोला तो सुना नहीं, बाद में जब अनाप शनाप बोलने लगा तो वो मोबाइल ऑन करके टेलीफोन में लगा दिया, तो आधा बात आया, आधी बात तो सुना नहीं, PNP पर था वो। तो फोन करने वाले कहा कि आपको हाजीपुर घुसने दे देंगे, और भी कुछ कहा? कालिख लगाएंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, आप चिराग कहते हैं मेरा भतीजा नहीं है, तब ये है वो है, हाजीपुर आपकी संपत्ति नहीं है, हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेगा। आप सुन लीजिए क्या बोल, सुना दो सब। गृहमंत्री जी को मैं लिख के चिट्ठी दे रहा हूँ, मैं मिलूंगा अभी उनसे, कि बार बार ये तीसरी घटना है। पर आप लोगों को याद होगा जब मंत्री बन के पहली बार हाजीपुर गए थे, उस समय भी जानलेवा मेरे पर हमला हुआ था। दोबारे जब मोकामा हम गए थे बाद तुहर मंदिर थी में, तो वहाँ भी हमला कराया गया। क्या है हमारा भतीजा रही है, कहाँ से आया है? वही पूछ रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? तो बोलिए, हाजीपुर मिलेगा नहीं,
मर जाएगा ऐसे ही बोल बोल के। इधर कोई जरा ना है बिहार में, इसको कोई चिंता है तो है कौन है ये? अच्छा तो आप जो है रात में, तो अभी आप केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को सुन रहे थे, क्या कुछ कहना है धमकी को लेकर, फोन कॉल को लेकर तमाम बहुत जानकारी दी है उन्होंने। उतना ही नहीं, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से भी शिकायत करेंगे। क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी साथ। धन्यवाद।